हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है वो मेंस एग्जाम को लेकर के है, जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप 15 दिसंबर तक। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ यहाँ पर क्या है। तो जेपीएससी द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल समूह की परीक्षा के लिए 16 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं वो अब 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स पास किए हैं। और यहाँ पे है 252 पदों के लिए 4 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी में कुल 4293 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। तो इसमें जो है 252 पोस्ट थे, उसमें से आप लगभग यहाँ पे 4293 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। तो इनको जो है 15 दिसंबर तक ये फॉर्म को भर लेना है। मिली जानकारी के अनुसार में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवश्यकता अनुसार वांछित कागजात और प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जिस प्रकार से प्रमाण पत्र आपको मांगा जाएगा वो भी आप लोगों को अपलोड करना है, ये भी यहाँ पर आयोग की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ में मेंस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र के लिए भाषा समूह में से किसी एक भाषा एवं साहित्य के विषय का चुनाव करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर जो है उसमें आपको लैंग्वेज पेपर में लेना ही लेना है, और साथ ही साथ में साहित्य का भी एक पेपर को लेना आपका आवश्यक है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर आपको जो मांगा जाएगा वो भी यहाँ पर देना है। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है वह है आपका 16 नवंबर, यानी कि झारखंड स्थापना 15 नवंबर के बाद वाले दिन से ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, से लेकर के 15 दिसंबर तक आपको मेंस के लिए आवेदन कर देना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पास किए हैं पीटी एग्जाम, वो अब मेंस की तैयारी करते जाएं और साथ ही साथ में जो है अपना ऑनलाइन वो भी कर लें, क्योंकि यह जेपीएससी की ओर से इम्पोर्टेंट नोटिस है, अपडेट है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।